गाइस, कैसे हो आप। मैं संगीता, आज मेरे किचन में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको चावल वाले पापड़ बनाना बताऊंगी कैसे बनाए जाते हैं। हमने ये एक कटोरी चावल लिए थे, इनको हमने दो दिन से भिगो रखा था। अब इसका हम पानी निकाल के इसमें मिक्सी के अंदर डालेंगे। अब देखो गाइस, इसमें हम चावलों को डाल रहे हैं। इसमें हम अपने कटोरी के हिसाब से ही पानी लेंगे। इसमें अब इन्हें हम पीस लाते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। ये देखो गाइस, हमने इसको पीस लिया था मिक्सी में। अब इसको हम रख देते हैं। अब हम अपने गैस की तरफ चलेंगे। अब इस पर हम अपना बर्तन रख देते हैं और हमने जो पानी लिया था ना, उस पानी को इसमें नाप के डालेंगे। इसमें चलो गाइस, हमने इसमें पानी भी डाल दिया है। अब हम अपने पानी को उबलने देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे इसमें, और थोड़ा सा हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, और इसमें हम हरा धनिया भी डालेंगे थोड़ा सा, और नमक स्वाद अनुसार। अब इसको हम सबको चला लेते हैं। ये देखो गाइस, हमारा पानी कड़कने लगा है। अब इसमें हम अपनी इसको डाल देते हैं जल्दी जल्दी से। ये देखो गाइस, हमने अपने पापड़ के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया है। बिल्कुल हमें ऐसे ही बनाना है, और इसमें वंश न पड़ने चाहिए, बिल्कुल भी घाटे न पड़ने चाहिए, और इतना अच्छे पापड़ बनेंगे इसके हम। अब हम इसको बंद कर देते हैं गैस को, और ठंडा करके पापड़ बना के हम दिखाएंगे आपको। अब गाइस, इस पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि हमारे पापड़ इस पे इससे चिपके ना। आप मोटी पल्ली भी ले सकते हो, पतली भी ले सकते हो। अब इसमें हम चारों तरफ से लगा देंगे, और हम अपने छत पे बना रहे हैं। वैसे तो हमारी छत पे ना बंदर इसमें आ जाते हैं, वो छोड़ते ही नहीं है पापड़ वापड़ को। तो गाइस, हम अपने पापड़ बनाएंगे जल्दी जल्दी से। अगर गाइस हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। कमेंट में हमें जरूर बताना हमारी चावल के पापड़ आपको कैसे लगे। ऊपर से उतार के लेके आए हैं, अब हम आपको तल के दिखाएंगे। अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, अब हम आपको तल के दिखाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। कमेंट में हमें जरूर बताना हमारे आपको पापड़ कैसे लगे। और थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे।